हमारा पिछले 24 घंटा में जो रेनफॉल रिपोर्ट मिला है आज सुबह 22 जुलाई, इसका नॉर्थ टू इंटीरियर उड़ीसा व नॉर्थ टू वेस्ट उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में हल्का से मध्यम बारिश हुआ है। कोस्टल उड़ीसा में फ्यू प्लेसेस में हुआ है और साउथ इंटीरियर में थोड़ा कम है, उसमें एक तो ज्यादा करके रेनफॉल हुआ है। तो बट मॉनसून अभी भी हमारा वीक कंडीशन ही है। हाइस्ट रेनफॉल हुआ है बुरला 62.8 मिलीमीटर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अम्बाभोना बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है 44.2 मिलीमीटर, कोलाबिरा झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 44.1 मिलीमीटर, कुचिंदा झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 43.2 मिलीमीटर, लाइकेरा झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है 43.1 मिलीमीटर, किरमिरा 39.0 मिलीमीटर झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो नॉर्थ वेस्ट उड़ीसा का कॉर्नर में रेनफॉल एक्टिविटी मॉडरेट एक्टिविटी ज्यादा था, बाकी अदर जगह में लाइट टू मॉडरेट कुछ कुछ जगह में हुआ है। अभी सीजनल जो पैटर्न है इसमें उड़ीसा में अभी तक टोटल रेनफॉल जो रिसीव हुआ है 417.4 मिलीमीटर, नॉर्मल होता है 458.6 मिलीमीटर, 9% कम है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है झारसीगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक्सेस है, बाकी 20 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल है, तो 21 डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल और 9 डिस्ट्रिक्ट में अभी डेफिशिएंट हुआ है। बट इसमें से मोनली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट का ही है, खुर्दा पुरी जाजपुर केंद्रपाड़ा कोटक जगत सिंहपुर बालासोर भद्रक ये सब डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट कैटेगरी में है। इंटीरियर का ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंट कैटेगरी में आ रहा है डेफिशिएंट। बट इसमें से खुर्दा एंड पुरी ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में पुरी एंड खुर्दा इसमें ज़्यादा डेफिशियंसी है और पुरी में सबसे ज़्यादा है। पुरी में 177.9 मिलीमीटर रेनफॉल हुआ है, इसका नॉर्मल होता है 356.3, 50% रेनफॉल कम हुआ है। और खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में 43% कम हुआ है, इसमें 238.8 मिलीमीटर हुआ है, 417.3 मिलीमीटर हुआ है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में अभी जुलाई महीना में रेनफॉल कम है, तो वैसा पुरी में 60% कम है, खुर्दा में भी 60% जुलाई में कम है, तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा डेफिशिएंसी है ज़्यादा। बट बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में डेफिशिएंसी होने से भी रेनफॉल हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर से हमारा जो सीजनल रेनफॉल है लास्ट ईयर से अच्छा है, क्योंकि लास्ट ईयर में आज तक 1 जून से 22 जुलाई तक इस ईयर में हमारा 9% कम है। लास्ट ईयर में 31% डेफिशिएंट था, उस समय रेनफॉल हुआ था 317.5 मिलीमीटर, इस बार हुआ 417.4 मिलीमीटर। बट लास्ट ईयर में पूरी खुर्दा में नॉर्मल था, इस बार पूरी खुर्दा में डेफिशिएंसी है। ये हो गया अभी रेनफॉल का स्टैटिस्टिक्स और रेनफॉल स्टेटस। अभी हमारा जो मेटेरोलॉजिकल फीचर्स है इसमें मॉनसून ट्राफ आज थोड़ा साउथवर्ड शिफ्ट किया है, तो रेनफॉल एक्टिविटी आज से अगला 2-3 दिन तक उड़ीसा में थोड़ा इंक्रीज होने का चांसेस है, तो नॉर्मल रेनफॉल एक्टिविटी होने का चांसेस है। अगला 24 घंटा में हमारा जो फोरकास्ट है इसमें नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट में सभी जगह में हल्का से मध्यम बारिश होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा एंड नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा साउथ कोस्टल उड़ीसा ये दोनों में फेयर मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है। साउथ इंटीरियर उड़ीसा मेनी प्लेसेस में होने का चांसेस है, साउथ कोस्टल में फ्यू प्लेसेस में होने का चांसेस है। एक दो जगह में हेवी रेनफॉल हो सकता है, संबलपुर देवगढ़ सोनपुर ओंगुल मयूरभंज बौद्ध बालासोर डिस्ट्रिक्ट में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग वार्निंग भी है। कालाहंडी कन्धमाल बौद्ध बोलांगीर ओंगुल धेनकेनाल केवंझर मयूरभंज भद्रक बालासोर डिस्ट्रिक्ट में कल थोड़ा सा और रेनफॉल एरिया वाइज इंक्रीज होने का चांसेस है। इंटीरियर उड़ीसा में मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में मोस्ट प्लेसेस में ही बारिश होने का चांसेस है और कोस्टल उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। हेवी रेनफॉल वार्निंग कल के लिए है, बरगढ़ बोलांगीर नोआपाड़ा संबलपुर ओंगुल धेनकेनाल कटक जगत सिंहपुर रायगढ़ केंद्रपाड़ा।
24th को भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, बट 24th में थोड़ा सा फिर रिड्यूस होगा। इसमें इंटीरियर उड़ीसा में मेनी प्लेसेस में, कोस्टल उड़ीसा में फिर प्लेसेस में होने का चांसेस है। हैवी रेन हो सकता है नवरंगपुर, कोरापुट, कोरापुट, कालाहांडी, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। फिर 25th में फिर रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाने का चांसेस है। 25th 26th फिर रेनफॉल एक्टिविटी कम हो रहेगा। यह है हमारा अगला 5 दिन का फोरकास्ट। और खुर्दा एंड पुरी, खुर्दा का हमारा भुवनेश्वर एंड कटक, ये दोनों कैपिटल सिटी एरिया जो है, भुवनेश्वर एंड कटक, इसमें जनरली क्लाउड स्काई रहेगा, एक दो स्पेल थंडरस्टॉर्म का साथ बारिश होने का चांसेस है। ओके।